सभी साक्षी हैं हमारे बालों को। वो रिबन लगा रही है पीछे, वो थोड़ा मोटा वाला रिबन है तो उसको लगा के पूरे बालों को पोनी कर रही है ताकि बाल आगे ना आए चेहरे पे। और अब साइड में चिमटी क्लिप लग रही है हमारे दोनों कानों के साइड में। अब इधर भी लगा रही है ताकि जो है बाल छोटे छोटे चेहरे पे ना आए, नहीं बाल आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं रहता, डिस्टर्ब भी होते हैं। तो अभी हमारे चेहरे पे लगने जा रहा है रोज वाटर गुलाब जल, ताकि चेहरे में जो भी डस है उससे क्लीन हो जाए। तभी उसको कॉटन से की हेल्प से लगाएंगी। कुछ मैं बोल रही थी तो ऐसे भी हमारे चेहरे पर कुछ लगे हुए नहीं थे, सिर्फ सुबह में हल्का सा मैंने एक जो है पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा सा क्रीम लगाया था सिर्फ नोज पे और दोनों बालों पे बस। उसको मैंने पहले ही साफ कर दिया था। अब ये गुलाब जल से पूरा फेस क्लीन कर रही है। तो ये पूरा फेस एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे भी गुलाब जल लगाना चाहिए, चेहरा एकदम स्मूथ रहता है। और ये सूखा कॉटन लेके अब उससे साफ कर रही कि हाँ चेहरा एकदम अच्छे से सूखा सूखा हो जाए। तो अभी ये सीरम लगा रही। तो अभी ये सीरम थोड़ा सा लेके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगी। ये उंगली की हेल्प से फिंगर से पूरे फेस पे बस थोड़ा ही लिया जाता है और पूरे फेस पे लगाया जाता है। इससे चेहरा एकदम स्मूथ रहता है, जो भी ऊपर से प्रोडक्ट लगते हैं कि नहीं होता फटाफटा जैसे हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इससे चेहरा एकदम स्मूथ रहता है। ये हमारे पूरे फेस पे अप्लाई कर दिए हैं। तो ये अभी मॉइस्चराइजर लगाने जा रही, और इसको भी थोड़ा से ही लेके पूरे फेस पे अप्लाई करना है। ये भी ख़त्म होने को है, मैं बोल रही थी और मेरी आवाज़ उधर से कट किया गया है। ये पूरे फेस पे लगा रही, इसको भी ये थोड़ा सा लगा ली तो मैंने अपने हाथों से जो है लगाया चेहरे पे। अभी उसका छोटा छोटा हाथ है बेचारी का, कैसे वो करते फिर भी उसने लगाया। और गले पे भी नेक पे भी छोड़ना चाहिए, इधर भी लगाना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट नेक पे भी लगते हैं और उसके बाद में मैंने फिर अपने हाथों से पूरे फेस पे लगाया। और फिर वो प्राइमर लेके थोड़ा सा चेहरे पे डॉट डॉट करके, इससे क्या होता है जो हमारे केमिकल रहते हैं जैसे कंसीलर है और फाउंडेशन है, ये सब मतलब जो भी हानिकारक चीज़ें, ये हानिकारक ही हैं कंसीलर वगैरह, तो
ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते, ये एक लेयर कर देता है। तो लेयर के ऊपर ही हमारे जितने प्रोडक्ट लगते हैं रह जाते हैं, अंदर स्किन के अंदर नहीं अब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने अप्लाई कर लिया है, तो मेरी आवाज़ तो वॉइस उधर से कटी हुई है। मैंने अभी जैसे बोला वैसे उधर से भी हमारी वॉइस थी। अभी मैं ये बोल रही कि हाँ ये 10 मिनट तक, थोड़ा सा 10 या 5 मिनट तक छोड़ना चाहिए, ताकि जिन दो तीन प्रोडक्ट हमने लगाए सभी को जो है 5 5 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहिए, ताकि एक एक लगाने से वो मतलब अच्छे फिनिशिंग नहीं देते। अभी मैं बेटी लगाने जा रही है मेरी, ये वो क्या पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए कंसीलर, ये भी एलिगेल का है, काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको 2 बार में मंगाया था, एक बार मंगाया 3 कलर थे, एक बार मंगाया तो ऑरेंज शेड में 3 थे, तो काफ़ी अच्छे मैट में है, काफ़ी अच्छा। और इसको हमने मीशो से ही मंगाया, मीशो से हम बहुत चीज़ें हमने मंगाया, जितने भी हमारे कंसीलर है, फाउंडेशन है, मतलब मेकअप के तो सारे ही चीज़ें ऑनलाइन, वो भी मीशो से ही है। काफ़ी अच्छा है मीशो का प्रोडक्ट है। ये दोनों साइड में हमारे दाग धब्बे छुपाने के लिए कंसीलर लग गया। मैं उधर से भी ये चीज़ें बोल रही थी, उधर की वॉइस कटी है, ये फिंगर से ही अब जो है उसको पहले करना चाहिए ताकि अच्छे से हो जाए, ब्लेंड नहीं करना चाहिए। फिंगर से जितने अच्छे हो जाते हैं ब्लेंड से नहीं होते, कि हाँ ब्लेंडर चलाएं, फिंगर से ही पहले टैप टैप करना चाहिए ताकि स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। पर ये मेकअप के लिए ऐसे मैं लगा रही हूँ, पर कहीं जाती हूँ तो नहीं अच्छा नहीं लगता कि हाँ इतना ज़्यादा मेकअप लगा के मैं जाऊँ, बस थोड़े से क्रीम है कुछ भी लगा लेती हूँ। और उसके ऊपर से उसको मैंने पहले 5 मिनट के लिए छोड़ा है, और फिर उसके बाद में लाइट स्किन कलर जो है कंसीलर लग रहा है ताकि लाइट आ जाए। हाँ तो उस जब ब्लेंड होने लगा तो उसको मैंने स्किप कर दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो फिर ये ब्लेंडर से साक्षी ने ब्लेंड किया है, और काफ़ी हमारे जो पिगमेंटेशन दाग धब्बे वो छिप चुके हैं, बस थोड़े ही कंसीलर से काफ़ी लाइट आ गया है चेहरे पे। अभी ये लैक्मी का कंसीलर है, इससे ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है रहता है दाग धब्बों के लिए, तो इसको जो है थोड़ा सा लेके अभी ये आईब्रो फिल करेंगे। तो जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मतलब बहुत अच्छे से मेकअप कर लेते हो, तो आपके लिए पहले पूरे फेस पे पूरा फेस ही करना है सब, पूरा मतलब मेकअप करके तब आईब्रो बना सकते हो। पर जिनको नहीं ज़्यादा आता, अभी बेटी हमारी ज़्यादा नहीं कर पाती, तो वो पहले आईब्रो से ही स्टार्ट करें, इसलिए जब हाथ रखते हैं चेहरे मतलब आईज के लिए, आईब्रो मतलब आई बनाने के लिए, तो दाग धब्बे ऐसे चेहरे पे आ जाते हैं। मैं कुछ बोल रही थी, मैं छिपा के दिखा रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा है, बोली नहीं मम्मा हटाओ, फिर वो ब्लेंड करे। तो इसीलिए होता क्या है कि अभी बच्चे हैं तो पहले आई का मेकअप कर लेंगे, तब उसके बाद में चेहरे पे जो भी प्रोटेक्ट है आईब्रो
अभी तो कंसीलर नहीं लगेंगे, बस फाउंडेशन से ही चेहरे को करना है। अभी कितना ही गंदा ऐसा लग रहा है कि हाँ क्या अभी इसमें क्या करना है। तो दोनों साइड में हमारे जो है ये कंसीलर लगा रही, बस वो लैक्मी का जो मैंने अभी दिखाया था। होता क्या है कि जैसे बहुत लोगों के एकदम आई एकदम क्लीन रहती तो कम ही लगते हैं, मेरे आई पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं ब्लैक, तो ये कुछ ज़्यादा ही कंसीलर लग रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। फिर भी अभी ये ब्लेंड करेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो ब्लेंड में आ जाते हैं ब्लेंडर में। मैं भी बोल रही थी इतना ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं, कम ही लगाओ ना, पर बच्चे हैं उनको अभी जैसे भी सीखना है तो कम ज़्यादा ये नहीं देखा जाएगा, बस हाँ कैसे भी करके हाथ साफ करो। तो ये पाउडर से जो है लगा के उसे एकदम से क्लीन करें कि हाँ और भी जैसे आई शेडो वगैरह लगे तो अच्छे से लग जाए। तो दोनों साइड में पाउडर लगा रही, दोनों साइड में पाउडर और आँखों के नीचे भी लगाना जरूरी है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगा रही। पर लगाना अभी बच्चे हैं तो बच्ची कैसे कर रही है, ताकि जब आईब्रो ये आईब्रो बोल दी आई शेडो के ऊपर जब लगे कुछ भी प्रोडक्ट अगर आईज के नीचे गिरे ताकि ब्रश लगा के बस उसको क्लीन कर दें, नहीं तो चेहरे पे चिपक जाता है। तो फिर उसको छुड़ाने में जितने भी कंसीलर फाउंडेशन लगे रहते हैं तो फिर वो दाग धब्बे दिखते हैं, पूरे जो है लेयर में निकलता है। और ये पाउडर रहेगा इसी के ऊपर गिरेगा तो अच्छे से जो है ब्रश से निकाल देंगे तो निकल जाएगा, पाउडर भी क्लीन हो जाएगा, जो इस पर डस्ट गिरेगा वो भी निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैं उधर से भी बोल रही पर वो वॉइस कट रही है। और ये पायलट जो है इसको भी मैंने, और ये ब्रश इसको, मतलब सारी चीज़ें हमारे मीशो की हैं। तो ये ब्रश भी मैंने मीशो से ही मंगाया था और ये आई पैलेट भी मीशो का ही है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड हैं। मैं कभी लगाती हूँ तो बस हल्का ही शेड लगाती हूँ, हल्का या ब्राउन जो है, और अभी देखते हैं कौन सा कलर हमारे आईज पे लगते हैं। तभी साक्षी चूज़ कर रही कि हाँ कौन सा कलर लगाएं, ये ब्राउन लाइट ब्राउन है, इससे हमारी आईब्रो को फिल करेंगे। ये हमारी आईब्रो फिल हो रही है। तो बता रहे कि हाँ साक्षी बोल रही है कि आगे से नहीं पकड़ना चाहिए ब्रश को, ब्रश को जब भी पकड़े तो थोड़ा से इस मतलब पीछे ही पकड़े तो अच्छे से हल्के से राउंड राउंड चलते हैं ब्रश। मैं तो ब्रश नहीं चलाती है, जब भी कभी करती हूँ तो फिंगर से उंगली से ही कर लेती हूँ थोड़ा सा ही। पर अभी भाई मेरा मेकअप हो रहा है, आर्टिस्ट मेकअप कर रही हूँ तो वो ब्रश बता रही कि हाथ कैसे पकड़ा जाता है। तो अभी एक हमारी हो चुकी है और मुझे ये कलर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। ये एक तो ऐसे ही मेरी आंखें ज़्यादा ब्राउन ब्राउन है, मतलब ऊपर के पल के, और उसी में मुझे ब्राउन ही पसंद है। और ये और मेरे कटकरीज नहीं बनते, मुझे बहुत पसंद है पर मेरे आंखों में बनते ही नहीं।
ना मैं अपने से बना पाती हूँ, शायद कभी अगर मैं पार्लर जाके तैयार हूँ तो शायद ही है कि वो लोग बना दें, पर कभी अगर मौका मिला जाने के लिए मैं जाके कटकरी साकुम ज़रूर बनवाऊँगी। तो जहाँ जहाँ जैसे मिस हो जा रहा था तो मैं बोल रही थी हाँ बेटा इधर ठीक कर दो, बोलना चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही तो बच्चे बोलेंगे, अगर बच्चे से गलती हो रही है तो हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। और ये थोड़ा सा जो है तो गोल्डन, हाँ गोल्डन है इसी पायलट का, तो लेके जो है इसको लगा रही है। अब मैंने ग्लिटर, एक तो हमारे पास ग्लिटर अभी है भी नहीं, तो मुझे हाँ लेना है। कभी कभी होता है ना कि ऐसा मेकअप करो वैसा मेकअप करो तो लगाना चाहिए थोड़ा सा, पर अभी है नहीं। जो हमारे पायलट में है उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सिमरी सिमरी टाइप का है आई शेडो, तो उसको मेरी आँखों के ऊपर लगा दी। इस साइड में भी दोनों साइड में एकदम बराबर से हो गए हैं। अभी जी कहीं भी छूट जाता तो मैं बोलती हूँ हाँ साक्षी इसको ठीक करो, ऐसे बोलने से बच्चों को भी हाँ होता है ना कि हाँ इसको हम बराबर कर दें। तो ये है हमारी इधर वाली आँख में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा, तो मैं उधर से बोल के जो है ठीक करने के लिए बोल रही हूँ कि हाँ इसको इधर भी ठीक करें। अभी हाँ ब्राउनी कलर से हमारी इधर आंखें और इधर भी दोनों ही बराबर हो रहे कर रही हैं बल्कि, और कटकरीज तो बनेगा नहीं, और जो कि मुझे बहुत ही पसंद है कटकरीज। और ये छोटा आई शेडो पायलट है, इसमें से कौन सा कलर लेना है, इसमें लाइट गोल्ड लेके मेरी आंखों के पास लगाई है पर उसको स्किप कर दिया गया। और ये भी मीशो का ही है आई लाइनर है, तो ये आईब्रो पे भी फिल होता है, आंखों पे भी अच्छे से लग जाता है। मैंने बोला पहले ब्राउन लगाओ तो साक्षी बोली मम्मा आपकी तो जो है ब्लैक है आईब्रोज, तो ब्लैक ही लगाऊंगी। और मुझे किसी का आईब्रो लगाना पसंद भी नहीं, मैं अपने से लगाती हूँ, पर वो जब मुझे कोई तैयार कर रहा तो वही करेगा ना, तो जैसे उससे अभी हो रहा है मैंने बोला तुम ही करो। तो मेरी आईब्रो एक फिल हो चुकी है, अभी एक बाकी है तो अच्छे से हो जाता है, पर मुझे तो बस अपना लोकल मार्केट वाला 10 रुपए वाला आईब्रो पेंसिल ही पसंद है, मैं उसी से अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। मैं इसको जल्दी नहीं लगाती जेल वगैरह, पर ये भी अच्छा, अभी हमारी दोनों आईब्रो फिल हो चुकी हैं और मुझे ऐसे ही आईब्रो अच्छी लगती हैं। और ये आईब्रो भी साक्षी ने ही बनाया है, अभी हम लोग कड़े धाम जा रहे थे तभी रात में साक्षी ने सेट किया था और कंसीलर किया हूँ, कंसीलर लेके वो आईब्रो के ऊपर लगा रही नीचे लगा रही ताकि जो है आईब्रो हमारी एकदम क्लीन दिखे। अभी एक साइड में हो गया है, मैं बोल रही थी क्या मेरे चेहरे तो हो जा रहा है कैसा ये कर रही, मैं इस टाइप का जल्दी नहीं करती, बस अपना वही सीधा साधा। बहुत ज़्यादा ही तामझाम रहती इतना ज़्यादा मेकअप करने में, और ये ब्लेंड से ब्लेंड कर रही है, अच्छी लग रही है ना।
कि हाँ एकदम साफ सुथरी आईब्रो दिखने लगी। थोड़ा सा कंसीलर लगा रहे सब ये ब्रश से, जो भी नीचे पाउडर है ये अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। तो ये ब्रश लेके, ये भी ये ब्रश मीशो का ही है, और ये मतलब इसको भी मैंने 2 बार में ही मंगाया कंसीलर। अभी हमने FIT का मंगाया मीशो का, उसी के साथ में ये कंसीलर आया, लाइट कंसीलर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जहाँ जहाँ पे हमें हाइट कर मतलब लाइटिंग करना है चेहरे पे, उसी जगह पे इसको यूज करना रहता है। और इसको भी अब अच्छे से ब्लेंड कर दे कर रही है। थोड़ा सा स्किप भी करना है इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। काफ़ी प्रोडक्ट लग चुके हैं, पर होता है ना ऐसा, प्रोडक्ट अगर कभी कदाथ ही होते हैं, ये हम लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं। ये तो कि तो अभी आंखों के नीचे हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हो गया है। और ये है, इसका नंबर उम्बर तो नहीं बता पाएंगे, फाउंडेशन है। ये भी हमने मीशो से ही मंगाया था, सारी चीज़ें हमारी मीशो की हैं। बहुत ही पसंद है मीशो ऐप से प्रोडक्ट मंगाना, आसान भी बहुत है। तो इसको भी थोड़ा ही मैं तो थोड़ा ही लगाती हूँ, पर अभी बच्ची है सीख रही, तो कुछ ज़्यादा ही लगा दी थी। तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, और इसमें आधा से ज़्यादा तो ब्लेंडर में ही चला जाता है प्रोडक्ट। और ये थोड़ा मेरा फेस अच्छा खासा चौड़ा है, तो ये कंटूरिंग कर रही हूँ। और दोनों साइड से ये नीचे थोड़ा नीचे हो गया इसका सेप, तो मैंने बोला नहीं और थोड़ा सुपर करो, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा। तो और मेरे फेस पे काफ़ी प्रोडक्ट अभी लगे हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कंटूरिंग भी ठीक से नहीं हुआ। मैंने बोला कि इसको और अच्छे से करो, ब्राउन डार्क था कंटूरिंग, फिर उसके नीचे वाइट वाइट और इस वाइट क्या स्किन कलर में थे, ताकि कंटूरिंग समझ में आए। और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है, तो एक साइड का हो गया, अभी दूसरे साइड का। फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं देखे जा रही थी, चुप थी, क्या करूं, कोई जब करता है तो बस मुंह बंद रखना रहता है। अभी भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। और उसके नीचे पाउडर मैंने अपने जो है फेस के नीचे बोला, एक बार और जो है कंटूरिंग करो नीचे पाउडर के नीचे साइड में, तो बेटी बोली नहीं। जब वो नहीं बोल दी तो मैंने बोला अच्छा चलो जाने दो। मैं अपने आप को देख के हंस रही, एकदम भूत बना दी मुझे, और क्या करूं, इसे बैठाई थी बैठी भी पागल के जैसे। अब मेरे आंखों में एक आंख में लग गया आईलाइनर, दोनों में हो गया, थोड़ा सी स्किप किया गया, और अभी काजल लग रहा है। और ये काजल भी मैंने लैक्मी का, ये भी मीशो का ही है, मीशो ऐप से मंगाया, तीन थे, और एक तो यूज हो गया, दो अभी निकले हुए हैं, और दोनों में ही साक्षी दोनों आंखों में लगा रही हूँ। होता है ना ऐसे कि हाँ
अगर हाथ पड़ जाते हैं तो दाग पड़ जाता है, इतने प्रोडक्ट लग जाते हैं फेस पे, वो अपना थोड़ा से अभी उतना फिनिशिंग नहीं दे पा रही, बच्ची है तो सीख रही धीरे धीरे, तो भी अच्छा और करने लगेगी, तभी थोड़ा सा आई शेडो ऐसे लाइट में है तो आईब्रो के नीचे लगा रही, और थोड़ा थोड़ा आंखों के कॉर्नर पे भी, ताकि आंखें थोड़ा से अच्छी लगें, बड़ी दिखें। ये हो गया, अभी मेरा पाउडर तो छोटा नहीं, मैं फिर भी मुंह बनाई हूँ कि हाँ मेरा फेस कैसा हो गया है, तो बड़ा एकदम बिल्कुल से चेंजिंग लग रहा है। अभी ये लिप लाइनर कर रहे हैं, तो होता है ना कि दूसरों को लगाओ, अपने तो कैसे भी लगा लो, दूसरों को लगाओ तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती, पर जो लोग लगाते रहते हैं अपने पार्लर वाले लोग हैं उन लोगों को भी, वो लगा रही आधे पे उसने लगाया, फिर स्किप करके दोनों में फिलअप कर दिया। अगर ये थोड़ा वो लगाती लगाई टाइम लगा, फिर स्किप किया, दोनों में हो गया। अभी मेरे चेहरे में पाउडर लगा ही है, और ये लगा रही है अभी, इसको क्या बोलते हैं वो मस्कारा, वैसे उठा उठा के लगाते, मैं तो नहीं लगा पाती। और ये भी मीशो का ही है, पर ये मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आया, इसलिए ये वाटर प्रूफ नहीं है, और सारे जितने भी प्रोडक्ट है मेरे चेहरे पे यूज हुए सारे वाटर प्रूफ हैं, ये कम ही है, है अच्छा है ये भी, पर ये बहुत थोड़ा सा मेरे पलक पे लग गया था, जिस जगह आई शैडो लगा है, तो लैक्मी का ज़्यादा अच्छा रहता। ये मैक का है, कम्बो पैक में था ये, मतलब चार पांच चीज़ें एक साथ आई थी, हमने मंगाया था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मंगाए, 20-25 दिन हुए, और इसको ब्रश से हटा रही हूँ, तो बहुत मेरा चेहरा वाइट वाइट लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद में मैंने मेकअप स्प्रे साक्षी ने किया, इससे क्या होता है मेकअप अपना जो है सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा फाइनल लुक तैयार हो गया है, और मेरी बेटी ने कितने अच्छे से जो है तैयार किया है, और उसी ने साड़ी भी मुझे पहनाया है, जैसा ये अच्छा ही है, बहुत अच्छे से उसने साड़ी पहनाया, मैं साड़ी के लिए सूट की, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और मैं अभी पूरा आपको दिखाती हूँ। साक्षी तो जैसे मैंने बस दिखा ही रही थी, इतने में उसे